दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासी का बैट बीच से क्रैक हो जाता है। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है, जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासी आबेश खान के सामने बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तभी आबेश खान की द्वारा फेंकी गई तेज गेंद को रासी मारने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बॉल बल्ले से टकराती है तो वो बल्ला वर्टिकली क्रैक हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में ही देख सकते हैं। दोस्तों जब वो बल्ला क्रैक हुआ तो उस बॉल पर एक भी रन नहीं मिला। दोस्तों पवेलियन से दूसरा बल्ला मंगाया गया और आगे गेम को शुरू किया गया। बहरहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया ये मैच हार गई है। इस मैच में डेविड मिलर और रासी ने खतरनाक बल्लेबाजी की है, इसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका ने ये पहला अपना टी20 मैच जीत लिया है।